एक कटोरी खाट पे और यूनिवर्स बन रहा है ठाट से। क्या बोल रहे हैं, पागल है क्या आदमी? भैया यही तो बात है कि अपनी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का बहुत ही बड़ा राज मालूम चल गया है गुरु। देखो ये तो मैं पहले से पता था कि हॉलीवुड वाले यूनिवर्स पर यूनिवर्स बना बना कर माल छापते हैं, लेकिन अपन बोले तो इंडिया में ऐसा कुछ ट्राई ही नहीं करते थे। अरे ट्राई तो छोड़ो, कभी सोचा भी नहीं था। मगर अब वक्त बदल चुका है बाबू मोशाए, ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है। क्या बोल रहे हैं, पागल है क्या आदमी? मेरा मतलब बीते कुछ सालों में, या यूं कहूं कि पेंडेमिक के टाइम से इतने यूनिवर्स बाहर निकल कर आए हैं कि पूछो मत। इसी बीच जोंबी रेड्डी फिल्म के रचयिता मतलब कि माननीय प्रशांत वर्मा जी ने भी कुछ नया ट्राई करने का सोचा है, आइए उसी पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले जरा इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, बड़ी मेहरबानी होगी माय बाप, है कि ना मित्रों? तो आइए फिर बात करते हैं, और सबसे पहले इसके रचयिता को ही ले लेते हैं। तो प्रशांत वर्मा का फिल्म मेकिंग विजन काफी बवाल है गुरु। वैसे मुझे तो लगता है कि इस नाम के आदमी ही बड़े महान हैं। एक तरफ प्रशांत नील है तो दूसरी तरफ वर्मा, और एक कमाल का कोइंसिडेंट ये भी है कि दोनों ही अपने अपने यूनिवर्स में अधीरा को ले चुके हैं। समझ रहे हो ना? खैर कोई बात नहीं, मुद्दे पर आते हैं और आपको ये बताते हैं कि प्रशांत वर्मा ने अपने फिक्शनल यूनिवर्स की फिल्म हनुमान का टीजर आज यूट्यूब पर दे मारा है, और तब से यूट्यूब के कबूतर उड़ पड़े इस बात पर कि पहले रिव्यू कौन डालेगा। वैसे डालना भी चाहिए, मामला ही इतना तगड़ा है गुरु। इसका बजट आदिपुरुष की तरह 500 करोड़ का तो नहीं है, लेकिन इसका VFX उससे 500 गुना बेटर है। लेकिन स्टार्ट में एक थोड़े से टाइम के लिए लगा भी कि कहीं साला इसमें भी आदिपुरुष वालों का VFX तो नहीं है, बट थैंक गॉड जैसे ही ट्रेलर आगे बढ़ा हमारी एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरता गया। वैसे विजुअल तो हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर की चीज है, क्या सिनेमेटोग्राफी है। मैंने तो अपने फोन के वॉलपेपर में भी इसके फोटोज लगा दिए हैं। मतलब 15 से 20 करोड़ के बजट की फिल्म इतना हाईली VFX कैसे फैक्टर मार सकती है बे, मैं तो अभी तक हैरान हूं। बाकी ट्रेलर के म्यूजिक ने सांस तो खींची है और इससे अपन मना भी नहीं कर सकते। बाकी एक सबसे अच्छी बात जो मुझे इसकी लगी वो है इसके लास्ट वाले सीन को लेकर, कितनी खूबसूरती से उसे दिखाया गया है, वाओ असली गूसबम्स तो वहीं आए थे। और दूसरी चीज है इसकी कास्टिंग को लेकर, मतलब इसकी कास्टिंग में कोई बड़ा एक्टर नहीं है, यानी कि पूरा पैसा सही से फिल्म के शूट में और विजुअल्स में डाला गया है। आदिपुरुष की तरह बड़े बड़े एक्टर्स की फीस में बजट को खाली नहीं किया गया है। बाकी आपका क्या ख्याल है इसको लेकर हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और हम इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो भी ज़रूर बनाएंगे, तो उसके बारे में भी कमेंट ज़रूर करना। और हाँ सबसे ज़रूरी बात, 1K हो गया है और अब हम चाहते हैं कि सिल्वर बटन भी हमें और हमारी फैमिली को मिले, तो उसके लिए सपोर्ट ज़रूर करना भाई। चलिए जय हिंद, राधे राधे।